नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार मेरी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सनस्क्रीन लोशन कौन सा अच्छा है जो बाजार में अवेलेबल है और आप यूज कर सकते हैं, और जो मैंने भी यूज किया हुआ है। मैं आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाती हूँ जो मैं यूज नहीं करती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है। मैं चाहती हूँ मैं वही प्रोडक्ट आपको दिखाऊँ जो मैं यूज करती हूँ और मैं सैटिस्फाइड हूँ, और मैं जो सैटिस्फाइड नहीं होती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप जब उस प्रोडक्ट को खरीदे तो आप ये ना सोचे कि मैंने अपने पैसे इसके ऊपर लगा के बर्बाद कर दिए और आप सेटिस्फाइड ना हो। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है और जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और कौन सा प्रोडक्ट में मैं पहली बार ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको आज दिखाना चाहती हूँ मेरा पहला प्रोडक्ट जो बहुत कॉमन है, जो हर कोई यूज़ करते हैं, वो है लोटस का सेफ सनस्क्रीन लोशन। ये हर्बल है, हर्बल प्रोडक्ट बोलते हैं, बहुत पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन जब मैंने खरीदा था तब SPF 30 अवेलेबल था, 30 सन प्रोटेक्शन फार्मूला। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा लोशन है या क्रीम आप बोल सकते हो। जब आप बाहर जाते हो बहुत ज़्यादा धूप में तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और आपकी स्किन को ये बहुत अच्छी तरीके से सन से प्रोटेक्ट करती है और आपके स्किन को अच्छा रखती है। इसमें टैन नहीं गिरती है अगर आप ये सनस्क्रीन लोशन यूज़ करते हो। ये SPF 30 है, ये SPF 50 बिल्कुल भी नहीं है, और ये 100 ग्राम का है, और ये बहुत महंगा है, 320 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगी। डिस्काउंट कभी कभी मिलती है नायका में, कभी कभी मिलती है अमेजोन में, बट हमेशा आपको ये डिस्काउंट में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और इसका एक ही ड्रॉबैक मुझे लगी, जब आपके फेस से पसीना निकल रहा हो या आप बहुत ज़्यादा गर्मी में हो तो ये इतना ज़्यादा क्रीमिश है, इसका क्रीम का जो टेक्सचर इतना ज़्यादा है कि ये लगता है कि जब आपका फेस बहुत ज़्यादा पसीने से वाटर या थोड़ा बहुत गीला गीला हो जाता है तो ये फेस से थोड़ा बहुत ही नीचे की तरफ लिक्विड की तरह आ जाती है, जो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता। आपको हमेशा टिश्यू हाथ में रखना पड़ेगा ताकि आप उसको टैप टैप करके सेटल तरीके से अपने फेस पे रख सको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, उसके बाद जब मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रीमिश है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट मैं ढूंढ रही थी जो मुझे थोड़ा लाइट वेट रहे, थोड़ा स्किन के साथ चिपका रहे, लाइक थोड़ा बहुत स्टिकी रहे, और अगर मुझे पसीना भी निकल रहा हो तो उस तरीके से लिक्विड की तरीके से फेस से बाहर ना आए। जब मैं बाज़ार में बहुत ये प्रोडक्ट ढूंढ रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मुझे आयुर का सनस्क्रीन दिखा। ये भी SPF 30 है, ये भी 100 ग्राम का है, और ये 150 में बाज़ार में अवेलेबल है, और किसी भी स्किन का टाइप में ये चल जाता है, और ये बहुत पुराना ब्रांड है, और मुझे पता नहीं क्यों ये ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी ये ब्रांड रिकमेंड किया था, तो मैं तब से ये ब्रांड यूज़ करती हूँ और मैं हमेशा सेटिस्फाइड रहती हूँ, एटलीस्ट दुखी तो नहीं होती हूँ कभी भी इस प्रोडक्ट से। तो ये भी SPF 30 का ही है, किसी भी स्किन पे ये लग जाती है, और बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर भी है, बहुत पतला है। अगर आप स्किन पे लगा के इसको बाहर जा भी रहे हो तो आपको लगेगा नहीं कि हाँ आपने सनस्क्रीन लोशन लगाया हुआ है फेस में, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आसानी से आपके फेस में ये लग जाती है। कुछ इस तरीके से अगर आप लगाओगे आपको लगेगा भी नहीं कि आपने सनस्क्रीन या लोशन आपने लगाया हुआ है। ये बहुत अच्छा है। इसकी एक ही ड्रॉबैक है, ये तब तक ड्रॉबैक नहीं थी जब मैंने इसका जो अपडेटेड वर्जन है, जब तक उसके पास जाने की सोची नहीं तब तक ये ख़राब नहीं थी मेरे लिए, पर जब मुझे पता चला कि बाज़ार में SPF 50 अवेलेबल है जो और भी अच्छा प्रोटेक्ट करती है अपने स्किन को, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर ही जाया जाए, क्यों ये सब कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हर्बल सबसे अच्छा होता है। जब मैंने बहुत सारी रिव्यू पढ़ी, बहुत सारा रिसर्च किया और सोचा कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मैंने पाया बायोटिक का बायो सैंडलवुड SPF 50 फॉर्मूला है। ये UVA एंड UVB सनस्क्रीन अल्ट्रा सूटनिंग फेस लोशन है फॉर ऑल स्किन टाइप। ये 50 ग्राम का पैकेजिंग है जो मैंने खरीदा हुआ है, ये मैंने नायका से लिया हुआ है। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ये भी एकदम लाइट वेट है,
पता ही नहीं चलता कि स्किन पे है, आपके स्किन पे आसानी से ये रह जाती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पसीने भी निकल रहा हो और ज़्यादा लिक्विड हो के नीचे की तरफ भी ये बिल्कुल नहीं आती, बार बार आपको टिश्यू पेपर से उसको टैप टैप करने की ज़रूरत नहीं है, फेस पे आपको एम्बेरसिंग फील बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ मैं मानती हूँ इसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, 200 रुपीज़ है, कभी कभी आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है नायका में, वो आप ख्याल कर सकते हो कि जब भी डिस्काउंट मिले आप उस डील को क्रैक कर सको। ये 200 में आपको 50 ग्राम की आएगी और ये ऑल स्किन टाइप को ये सूट होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा जो मुझे लगा, इसकी जो टेक्सचर है वो थोड़ा बहुत कलर है, लाइक आपके स्किन में एक थोड़ा सा एक कलर का टोन छोड़ता है ये, लाइक इस तरीके की। आप अगर लगाओगे लगेगा कि आप एक लाइक नेचुरल जो स्किन है उसके ऊपर एक लाइट सा एक कलर देती है, पिंकिश टाइप, जो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, ये स्किन पे लग जाने के बाद पता ही नहीं चलता कि आपने सनस्क्रीन लगाया हुआ है। और ये बहुत देर तक स्टेबल भी रहती है आपके स्किन पे और आपके स्किन को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट भी करती है, क्योंकि मैं जब इसको यूज़ करके बाहर जा चुकी हूँ और जब मैं बाहर से घर पे आई तो मुझे लगा कि हाँ मेरा स्किन प्रोटेक्टेड है, क्योंकि मैंने जब स्किन को वॉश किया तो मेरे मुँह पर बिल्कुल टैन नहीं आई। तो मैं इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो ये नायका में और अमेजोन में भी अवेलेबल है। मैं आपको ये प्रोडक्ट बहुत रिकमेंड करूँगी। अगर आपको कोई सनस्क्रीन लोशन अभी चाहिए इस गर्मी के मौसम में, अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। चलिए दोस्तों, मैं आपके वक्त नहीं ज़्यादा ज़ाया करते हुए आज की वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट भी कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और आप सेटिस्फाइड हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और हाँ, जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। आज का दिन के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।